शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे परिस्थितियों के बारे में ज्यादा सोचो मत, अर्थात उधर ध्यान मत दो, बल्कि उस समय सब कुछ बाप को समर्पण कर बाप की याद में बैठ जाओ, तो आपका संपन्न स्वरूप आपके रास्ते की सभी रुकावट साफ कर आपको मंजिल पर शीघ्र ही पहुंचा देगा। पर इसके लिए बाप की हर श्रीमत को अपने साथ रखो। ड्रामा का जो सीन चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उससे साक्षी हो जाओ, हलचल में अचल रहो। यह साक्षी और अचल स्थिति समय से पहले ही आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर, आपको हल्का कर, आपको अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंचा विश्व परिवर्तन के कार्य की आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगी, जो कार्य आपको और भी बाप के समीप अर्थात माला में नंबर आगे लेने में मददगार बनेगा। बस बच्चे, स्वयं पर फुल अटेंशन रखो। यदि आप योग स्वरूप अर्थात बाप की याद भूल भी जाती है या कोई गलती भी हो जाती है, तब भी घबराना नहीं है, बल्कि फिर बाबा बाबा कर अपने रास्ते पर आ जाना है। आप जितना नॉलेजफुल रहोगे और साथ ही साथ स्वयं पर भी अटेंशन रखोगे, तो जल्दी ही आपकी सभी कमी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, जो कि बस खत्म होने वाली ही है। देखो, बाप तो सब कुछ जानता है, इसलिए आप बच्चों का बाप के प्रति सच्चा प्यार और लगन देख आपको समझानी देता रहता है, ताकि बच्चे शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्वरूप बन जाएं। बस आप भी बाप पर 100% निश्चय रख बाप की श्रीमत प्रमाण चलते चलो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.